एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स या पा जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की, जिसमें अरमान की रीएंट्री से बदल चुकी है पूरे शो की कहानी। दरअसल जूनियर रुद्राक्ष यहां पर आ चुका था प्रिशा के पास, लेकिन कहते हैं ना कि हाथ से आई हुई चीज कब हाथों से निकल गई पता ही नहीं चला। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी प्रिशा के साथ और रुद्राक्ष खुराना के साथ, जहाँ उन्होंने अपने बच्चे की शक्ल ठीक से देखी भी नहीं थी कि रेवती ने उनका बच्चा चुरा लिया। लेकिन यहाँ पर शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों। जी हाँ, उड़ती उड़ती खबरों की माने तो सुनने में आ रहा है कि जो जूनियर रुद्राक्ष खुराना रेवती के पास है वो दरअसल असली बच्चा है ही नहीं, यानी कि जिस बच्चे को प्रिशा ने जन्म दिया था, जो हमारे रॉकस्टार रुद्राक्ष का नन्ना सा खून है, जो हमारा जूनियर रुद्राक्ष खुराना है, वो असल में रेवती के पास है ही नहीं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि अगर रेवती के पास प्रिशा का बच्चा नहीं है तो असली बच्चा कहाँ है? और यहीं पर घूमने वाली है शो के अपकमिंग ट्विस्ट की मज़ेदार सुई। सोर्सेस के माने तो बताया जा रहा है कि अरमान ने ही मालती को भेजा था और इसीलिए मालती अरमान के लिए ही पहली वफादार साबित होगी, और प्रिशा का बच्चा मालती ने अरमान को दे दिया है और इस बात से बेखबर खुद रेवती भी है, और वो कोई दूसरा बच्चा लेकर के इतनी ज़्यादा खुश हो रही है, लेकिन ये राज सिर्फ मालती और अरमान ही जानते हैं। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब अरमान के इस चालाकी के बारे में रेवती को पता चलेगा तब क्या होगा उसका रिएक्शन, ये देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिलहाल ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।